अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हेल्थ फीड। व्यूवर्स, गर्मियों के मौसम में तुख में मलंगा को बहुत खाया जाता है। इनको आम तौर पर बेजल सीड्स यानी के तुलसी के बीज यानी बालोंगो के नाम से भी जाना जाता है। ये बीज अपने फायदों की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। तुख में मलंगा एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं और ये जिंक और वाइटामिन B3 का भी बहुत अच्छा जरिया है। आज हम आपको तुख में मलंगा के फायदे बताएंगे कि इनको खाने से हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनमा होंगी। नंबर 1, तुख में मलंगा में सोलिबल और इनसोलिबल फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाए जाने की वजह से ये हमारे निज़ाम हाजमा के लिए बहुत फायदेमंद है। तुख में मलंगा आपके मैदे को ताकत फराहम करके मैदे की गर्मी को भी दूर करता है और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए असरदार नुस्खों में से एक है। आप 1 चम्मच तुख में मलंगा को आधा गिलास पानी में भिगोकर रखें। इसके बाद आप इसे जूस में डालकर, दूध में डालकर या बहुत से मुख्तलिफ मशरूबात में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, तुख में मलंगा आपके दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की नुमाया मिकदार होने की वजह से ये दिल की बीमारियों को पैदा करने वाले LDL कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने और आपके दिल की वेंस में HDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर तुख में मलंगा को इस्तेमाल किया जाए तो इससे मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे कई न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं और ये हमें दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। नंबर 3, फालतू चर्बी और वज़न को कम करने के लिए भी तुख में मलंगा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके फालतू चर्बी को पिघलाते हैं। इनके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मिकदार पाई जाती है और ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं। ऐसे अफराद जो फालतू चर्बी और वज़न के बढ़ने की वजह से परेशान हैं वो नींबू पानी के अंदर तुख में मलंगा को डालकर इस्तेमाल करें। नंबर 4, जब आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है तो इससे रेड ब्लड सेल्स की कमी भी हो जाती है और खून की कमी में भी मुब्तला होना पड़ता है। तुख में मलंगा आयरन का बहुत अच्छा जरिया है। ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं वो रोज़ाना तुख में मलंगा को 1 गिलास नींबू पानी में डालकर पिएं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप खून की कमी से निजात पा लेंगे बल्कि आपकी बॉडी भी कूल रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों को भूख कम लगती हो वो भी तुख में मलंगा का इस्तेमाल मसलसल करें। व्यूवर्स, आपने जाना कि आप तुख में मलंगा का इस्तेमाल करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत से फायदे भी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में तुख में मलंगा का इस्तेमाल कीजिए और एक हेल्दी लाइफ गुजारिए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। न्यू वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।